back. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ निम्रा कवल। यूक्रेन में जंग को 2 साल मुकम्मल, यूक्रेनी बाशिंदे कनाडा को अपना मुस्तकिल घर बनाने के ख्वाहां। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत की तवज्जो जंग को ख़त्म करने पर मरकूज़ है। लाखों यूक्रेनी मुस्तकिल तौर पर कनाडा में रहने के ख्वाहिशमंद हैं। कैनेडियन हुकूमत का ब्रिटिश कोलंबिया हाउसिंग प्लान के लिए दस्तियाब फिनांसिंग को दुगना करने का फ़ैसला। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाकी फंडिंग से कम अज़ कम 8,000 से 10,000 मजीद नए घर बनाने में मदद मिलेगी। यूनिट मार्केट से कम नरखों पर दस्तियाब होंगे। कैनेडा दिफाई अखराजात के हदफ को पूरा करने के लिए टाइम लाइन देगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि कैनेडा को 2% सरमायाकारी के वादे को पूरा करना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि हम अपने नेटो शराकत दारों के साथ कदम बढ़ाते रहेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास। गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। वेलकम बैक। जैसे जैसे यूक्रेन में जंग का 2रा साल मुकम्मल हो रहा है, जंग से बेघर होने वाले यूक्रेनी बाशिंदे कनाडा को अपना मुस्तकिल घर बनाने के ख्वाह है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे यूक्रेन में जंग का 2रा साल मुकम्मल हो रहा है, जंग से बेघर होने वाले यूक्रेनी बाशिंदे कनाडा को अपना मुस्तकिल घर बनाने के ख्वाह हैं। उनके पास इस बारे में बहुत कम जवाब है कि हुकूमत उन्हें रहने की इजाज़त देने के लिए क्या करेगी। रूस के यूक्रेन पर मुकम्मल हमले, जो 2 साल पहले 24 फरवरी को शुरू हुए थे, ने पनाह गुजीनों का एक बड़ा बहरान पैदा कर दिया था, क्योंकि लाखों यूक्रेनी मुल्क छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद से वफाकी हुकूमत ने यूक्रेन के बाशिंदों को 9,58,190 आर्जी हंगामी वीज़ा दिए थे, ताकि वो घर पर तशद्दुद का इंतज़ार करते हुए कनाडा में काम या तालीम हासिल कर सकें। 27 जनवरी तक 2,21,231 पहले ही कनाडा का सफ़र कर चुके थे। कैनेडियन वज़ीर आज़म से जब पूछा गया क्या कनाडा उन लोगों के लिए तवील उलमुद्दती इंतजाम कर रहा है जो कनाडा में आबाद हो चुके हैं, तो ट्रूडो ने कहा कि उनकी लिबरल हुकूमत इस जंग को ख़त्म करने पर मरकूज़ है। मेरे ख्याल में ये जंग ख़त्म होने के बाद बहुत से लोग फैसले करने जा रहे हैं। इस दौरान हम व्लादिमीर पुतिन के घिनौने इकदाम की वजह से नाकाबले यकीन हद तक मुश्किल वक्त से गुजरने वाले लोगों की मदद के लिए वहां मौजूद रहेंगे। कैनेडियन हुकूमत ब्रिटिश कोलंबिया हाउसिंग प्लान के लिए दस्तियाब फिनांसिंग को दुगना कर रही है, जिसे वज़ीर आज़म ने तब्दीली का नाम दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ब्रिटिश कोलंबिया हाउसिंग प्लान के लिए दस्तियाब फाइनेंसिंग को दुगना कर रही है, जिसे वज़ीर आज़म ने तब्दीली का नाम दिया है। जस्टिन ट्रूडो वैंकूवर में यह ऐलान करने के लिए थे कि ओटावा सूबे के नए बीसी बिल्ड्स इकदाम में $2 बिलियन की माली आनत का इजाफा कर रहा है, जिसका मकसद दरमियानी आमदनी वाले किराए के मकानात की तामीर को तेजी से ट्रैक करना है। वज़ीर आज़म ने इस मंसूबे को अजीम और बुनियादी तौर पर अमनी करार देते हुए कहा कि वफाकी फंडिंग से कम अज़ कम 8,000 से 10,000 मजीद नए घर बनाने में मदद मिलेगी। ट्रूडो ने कहा कि मजीद ज़मीन महफूज होने के साथ ही ये तादाद बढ़ जाएगी।
नए यूनिट्स एक और दो बेडरूम तक महदूद नहीं होंगे। उन्होंने कहा ये तमाम साइज के यूनिट होंगे बशमूल तीन या चार बेडरूम्स, इस किस्म की जगह जहां खानदान बढ़ सकते हैं और वो घर बुला सकते हैं। ये रकम डेवलपर्स के लिए कम लागत की फाइनेंसिंग के लिए $2 बिलियन की सूबाई फंडिंग में सबसे ऊपर आती है, ताकि हुकूमत कम्युनिटीज या गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के जेरे इस्तेमाल या जेरे मिल्कियत जमीन पर सस्ती किराए के मकान को तेजी से ट्रैक किया जा सके। सूबा $950 मिलियन का भी वादा कर रहा है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि यूनिट मार्केट से कम नरखों पर दस्तियाब हो। सूबे ने अब तक मुमकिन तामीरात के लिए 20 मकामात की निशानदही की है। वजीर आजम ने कहा कि बीसी बिल्ड्स प्रोग्राम ये जाहिर करता है कि लोगों के रहने के लिए घर कैसे बनाए जाए, सिर्फ सरमायाकारों के पोर्टफोलियोज ही नहीं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल तवक्को करते हैं कि कनाडा दिफाई अखराजात के हदफ को पूरा करने के लिए टाइमलाइन देगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नेटो के सेक्रेटरी जनरल तवक्को करते हैं कि कनाडा दिफाई अखराजात के हदफ को पूरा करने के लिए टाइमलाइन देगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि वो तवक्को करते हैं कि कनाडा दिफा पर GDP का 2% खर्च करने के इत्तेहाद के हदफ तक पहुँच जाएगा। एक खसूसी कनाडा के इंटरव्यू में स्टोल्टनबर्ग ने कहा कनाडा ने अभी तक अपने अखराजात के अजम को पूरा करने के लिए एक दुरुस्त तारीख का तायुन करना है, लेकिन मैं तवक्को करता हूं कि कनाडा दिफा पर GDP का 2% सरमायाकारी करने के वादे को पूरा करेगा, क्योंकि ये एक वादा है जो हम सब ने किया है। कनाडा एक बड़ी मईशत है और G7 का रुकन है, इससे वाकई फ़र्क पड़ता है कि कनाडा क्या करता है। उन्होंने मजीद कहा कनाडा के नौराज के लिए फंडिंग में इजाफे, F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के मंसूबे और बढ़ती हुई मौजूदगी का हवाला देते हुए लिटोया में जब सही सिम्त में आगे बढ़ रहा है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा यह सब अच्छा है, ये सब मामलात हैं, लेकिन यकीनन कनाडा को दूसरे तमाम इतिहादियों की तरह 2% सरमायाकारी के वादे को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा ख़तरनाक दुनिया में इसकी ज़रूरत है। कनाडा को तवील अरसे से अपने GDP का कम अज़ कम 2% दिफा पर खर्च करने के मुतालबात का सामना है, जिस हदफ पर नेटो के रुकन ममालिक ने एक दहाई से ज़्यादा अरसा कबल इत्तेफाक किया था। ट्रूडो ने हदफ की तारीख तय करने के बारे में स्टोल्टनबर्ग के तबसरों का जवाब देते हुए कहा है कि कनाडा को कदम बढ़ाना जारी रखने की ज़रूरत है और हमारे पास बतौर हुकूमत है, हम अपने नेटो शराकत दारों के साथ कदम बढ़ाने के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे कि कैनेडियन मुसल्लह फौज की खवातीन और मर्दों के पास वो सामान मौजूद है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और ये कि हमारे इत्तेहादी हमारे ऊपर एतमाद कर सकते हैं। News are precise and effective.